नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे व्लॉग चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी ये स्कूटी होती है होंडा की, टीवीएस की, या फिर ये जैसे कि हीरो की, तो इनके अंदर जब हम रिंग डालते हैं तो उनका रिजल्ट हमें बेस्ट क्यों नहीं मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमें 6 महीने ही उसका रिजल्ट मिलता है, ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसे दोस्तों कई रीज़न होते हैं, तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो दोस्तों उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या दोस्तों आप इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मैंने दोस्तों उसके बारे में आपको जानकारी दी है कि वहाँ पर दोस्तों क्या कमियाँ ऐसी होती हैं जिनके चलते हमारी बाइक जो है या स्कूटी जो होती है वो ज़्यादा समय तक हमें रिजल्ट क्यों नहीं देती है बाइक के अंदर जब हम पिस्टन रिंग इंस्टॉल करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारी ये स्कूटी होती है इसके अंदर हम ये रिंग किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों मेरा जो आज वीडियो होगा ना वो इसी के ऊपर होगा, मैं आपको इसके अंदर ये रिंग इंस्टॉल करके दिखाऊंगा किस प्रकार से हम जो है स्कूटी के अंदर ये रिंग इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम इसके पिस्टन बोर की। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो हमारी ये होंडा एक्टिवा है, ये ओल्ड मॉडल है, इसके अंदर जो है मैं पिस्टन बोर करा रहा हूँ, ये 75 नंबर का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा बोर होना चाहिए वो है क्रॉस बोर होना चाहिए, और दूसरा दोस्तों जो हमारा पिस्टन है ना वो दोस्तों बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पिस्टन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डालते हैं ना तो दोस्तों ये जो है ना इतनी टाइट पोजिशन में जाना चाहिए, देखिए ये हमारा इतनी टाइट पोजिशन में जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है इसका मेन पॉइंट होता है। तो अब दोस्तों मैं जो हूँ इसके अंदर आपको रिंग डाल के दिखाता हूँ किस प्रकार से हम जो है इसके अंदर ये रिंग डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी ये होंडा एक्टिवा है इसके ये रिंग है, और यहाँ पर मैं जो हूँ इसके अंदर 75 नंबर बोर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6 महीने पहले इस भाई ने जो है इसका काम कराया था, इसके अंदर जो है ये पिस्टन बोर कराया था। तो यहाँ पर ये तीसरी सर्विस पे जो है दोस्तों ऑयल घटाने लग गई थी, कम कर दिया था उसने इंजन ऑयल, तो जिसके चलते ये पिस्टन एक बार यहाँ से सीज भी हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी इसके अंदर ये रिंग किस तरीके से डालते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा ये इसका इंटेक भाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये लॉक डाल लेता हूँ ना, और ये हमारी इसके पिस्टन पिन हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इंटेक भाग है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा इंटेक भाग है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर ये होल देख सकते हैं, ये इसके अंदर होल हैं, यहाँ पर जो है इसके अंदर ये 5 होल दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर बाहर जो है ये 4 होल दिए गए हैं, और इसी तरीके से ये जो है इसकी एग्जॉस्ट साइड में दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बराबर इसमें दिए गए हैं। तो आपने इनको डालना कैसे है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो हमारे ऑयल रिंग होते हैं इनके अंदर स्लिंग के ब्लेड जितना गैप होना चाहिए, मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए आपने जो है रिंग को ऐसे रखना है, और जब आप पिस्टन से इसको ऐसे चेक करेंगे ना तो आपने इसके अंदर से ये सेविंग के ब्लेड जितना ही गैप मिलना चाहिए, ये जो गैप है ना यहाँ से लेके इस साइड तक बराबर रहना चाहिए, तो हमारा पिस्टन बिल्कुल बराबर ही जाना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये जो है हमें सिर्फ एक सेविंग के ब्लेड जितना ही गैप दिखाई देता है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारा पिस्टन हो गया, तो चलिए मैं इसको रख देता हूँ। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर एक्सपेंडर रिंग। तो आप किसी भी स्कूटी के अंदर ये रिंग इस तरीके से डाल सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा इंटेक भाग है इस पिस्टन का, ठीक है। यहाँ पर जो इसके अंदर 5 होल हैं, ये सेंटर वाला जो इसका होल है, आपने इसकी सीध में ना बिल्कुल एक्यूरेट इसको एम शेप में डाल देना है। देखिए मैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये इसका सेंटर भाग है, आपने इस रिंग को ऐसे इसमें डाल देना है, जो ये हमारी एक्सपेंडर जाली होती है, तो यहाँ पर ये आ गई सिलेंडर में, ठीक है, ये हमने बिल्कुल इसको सेंटर में कर दिया जो ये बीच वाला होल है, ठीक है। अब ये हमारी एक्सपेंडर हो गई, अब बात करते हैं इसके दूसरे रिंग की। तो ये हमारा इसका ऑयल रिंग है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ऑयल रिंग है ना, जब इसको हम ऐसे दबाते हैं तो ये एक साइड में मूव करता है, देखिए अगर इधर से पकड़ेंगे तो ये उसी एक ही साइड में मूव करेगा, ठीक है। तो आपने इसको लगाना कैसे है, आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है, इस साइड में ये मूव कर रहा है तो आपने इसको ऐसे लगाना है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऊपर की तरफ देखिए मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये अंदर का होल है, ठीक है, पहले नंबर वाला, ये 4 वाले आपने छोड़ देने हैं, अंदर वाला जो होल है ना इसके यहाँ पर इसके कट को यहाँ पर लगा देना है, इसके कट के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्यों, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने रिंगों को जो है बड़े प्यार से लगाना है, क्योंकि भाई बार बार हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम किसी बाइक या स्कूटी को ओपन करें और उसके अंदर रिंग डालते वक्त कोई लापरवाही बरतें, ठीक है। ये हमारा जो है कट इसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने आ गया है, जो अंदर वाला ये होल है, ठीक है।
आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने इसका मुंह जो है उसी तरह रखना है जो मैंने आपको कट दिखाया, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। अब दूसरे वाला रिंग यहाँ पर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये इस साइड में मूव कर रहा है। इसको हमने कैसे डालना है, इसको हमने ऐसे पकड़ लेना है, ये अब नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है। इसको हमने कैसे डालना है, जो ये अंदर वाला कट है, जो पहले वाला अंदर वाला कट है, देखिए यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं, ठीक है। इस कट को आपने यहाँ पर कर देना है, देखिए ये अंदर कट है ना, वहाँ यहाँ पर आ गया। इसको भी आपने बड़े प्यार से ऐसे डाल देना है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा सेंटर भाग हो गया, जो हमारी एक्सपेंड रिंग है ये यहाँ पर आ गई, ये इसका कट है और ये इस होल के ऊपर आ गया और दूसरे वाला इस होल के ऊपर आ गया। थोड़ा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसका हमारा इनटेक भाग है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ये ऐसे रिंग डाल दिए। अब हमारे पास आते हैं ये जो हमारे दूसरे वाले रिंग होते हैं, कंप्रेशन रिंग, इसको आपने कैसे डालना है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये लिखा होता है GTP, जो भी मतलब के नाम होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर टॉप 1 टॉप 2 लिखा होता है, तो यहाँ पर इस रिंग के ऊपर ये टॉप 2 लिखा हुआ है। तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बात को नोटिस करना है, जो भी हमारी बाइक होती है किसी भी तरह की, तो उनके ऊपर जो ये लिखा होता है ना टॉप 1 टॉप 2, इस रिंग को ना आपने ऊपर की तरफ करना है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे डलेगा, ठीक है। ऐसे ये जो है लिखा हुआ, जो भी लिखा है यहाँ पर टॉप 1 टॉप 2, वो आपने इसको ऐसे ही ऊपर कर देना है। कुछ भाई क्या करते हैं, इनको ऐसे लगाते हैं, इन लिखे हुए को ना, ये दोस्तों ऐसे नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती होती है भाई, इसका भी एक रीज़न होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसको कैसे डालना है, यहाँ पर आप देखिए जो हमारा इसका एग्जॉस्ट भाग है, यहाँ पर वही कट है, आप देख सकते हैं जो इसका ये होल है, ठीक है, अंदरले वाला, तो आपने इसको ना इसके ऊपर ऐसे ही कर देना है, देखिए, ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया। बड़े प्यार से ही इनको आप ऐसे डालें, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, आ गया। तो अब ये दूसरे वाला टॉप 1 और टॉप 2, ये इनके ऊपर लिखा होता है, टॉप 2 आपने पहले डालना है और टॉप 1 आपने बाद में डालना है, ठीक है, ये आप देख लें। तो यहाँ पर ये इसका टॉप 1 है और यहीं पर इसी के सामने जो मैंने आपको ये होल दिखाया, इसके ऊपर आपने ये कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर आपने जो है इन रिंगों को ऐसे डाल देना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये यहाँ पर जो है इनके होल के बिल्कुल आपने सामने इनको रख देना है और ऊपर वाले जो इसके एग्जस्ट भाग है इसको भी दोस्तों आपने यहीं पर ही रख देना है, ठीक है। ये यहाँ पर दोस्तों ऐसे इसमें रिंग इंस्टॉल हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो है इसके अंदर ये इस तरीके से रिंग डाल देने हैं, तो इनका रिजल्ट दोस्तों आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका रिजल्ट होता है वो हमें बेस्ट ही मिलता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये रिंग दिखा रहा हूँ ना, तो आपने दोस्तों इन रिंगों का मुंह जो है ऐसे नहीं करना। यहाँ पर दोस्तों जो ये गैप होता है ना, ये आपको गैप दिखाई देगा, तो यहाँ से ऑयल आगे आएगा और ऐसे में दोस्तों आपकी जो स्कूटी है वो वाइट स्मोक देने लगेगी, ठीक है, ये इसका रीज़न होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसकी ये रिंग है ना यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर ये गैप को भी कवर कर लेते हैं, तो जिसके चलते ये आपकी जो स्कूटी है वो लंबे समय तक दोस्तों वाइट स्मोक नहीं देगी। तो अब हमारा इतना काम हो गया है, तो अब हमने करना क्या है, जो यहाँ पर ये ऑयल है आपने इसके अंदर ऐसे लगा देना है, और इसके ऊपर भी आपने ऐसे डाल देना है, यहाँ पर आपने जो है रिंगों को घुमाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़े बहुत रिंग घूमते हैं तो उनको आप एडजस्ट कर लें, ये हमारे रिंग एडजस्ट हो गए। अब इसके अंदर आपने इसको डालना कैसे है, यहाँ पर इसके अंदर ऑयल लगा लें आप, ठीक है, ये हमारा इनटेक भाग है, तो इसको आपने ऐसे रख देना है सबसे पहले, तो अब आपने जो है एक पिन पेच कस लेना है, ठीक है, और इसको जो हमारी रिंग होती है ना इनको ऐसे थोड़ा आपने साइड से अंदर कर देना है, ऐसे ना कि ऐसे करना है, ऐसे आपके रिंग ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस साइड से भी अंदर हम इनको कर लेते हैं, तो देखिए ये हमारे रिंग कितनी आसानी से इसके अंदर चले गए। तो आप याद रखें, ये जो आपका पिन पेचकस होता है ना, इसको आपने ऐसे ही करना है, ना कि इसको अंदर दबाना है,
ठीक है, बड़े प्यार से ये भाई काम होते हैं जल्दबाजी में नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर जो है हमने रिंग डाल दिए, तो देखिए पिस्टन हमारा कितना टाइट जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने इसके अंदर जो है रिंग डाल दिए, तो ये इस तरीके से हम जो है इनके अंदर ये रिंग डाल देते हैं। इसको आप 4-5 बार ऐसे अप डाउन कर लें तो ये आपका काम बन गया। तो ये हमारा इसका इनटेक भाग है, ठीक है, और ये इसका एग्जॉस्ट भाग है। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम जो है इन स्कूटी के अंदर रिंग डालते हैं। भाई मैं कोई भी जो मेरे पास स्कूटी आती है ना, किसी भी कंपनी की, होंडा हो, TVS हो, हीरो हो, या फिर जैसे कि यामा, तो सभी के अंदर दोस्तों मैं इसी तरीके से रिंग डालता हूँ। तो इससे पहले दोस्तों मैंने जो है Part 1 में आपको बताया है कि यहाँ पर जो आपकी स्कूटी होती है उसके अंदर ज़्यादा रिजल्ट न मिलने का क्या कारण है। तो अब दोस्तों आप उस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। तो आप दोस्तों उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर दोस्तों क्या गलतियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी ही जानकारी थी जो दोस्तों मैंने आज आपको इस वीडियो में दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।